राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, तो आज आपके सामने पेश है, ऐसे हम जॉन डियर के शोरूम पे हैं इंदौर में, और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही जानदार शानदार ट्रैक्टर आया है। इससे पहले हमने आपको टू व्हील ड्राइव का रिव्यू दिखाया था, आज हम आपको फोर व्हील ड्राइव का रिव्यू दिखाने वाले हैं। काफी डिमांडिंग ट्रैक्टर है और सीआरडीआई इंजन के साथ में आता है। बहुत ही ज्यादा किसान भाई इसको खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, और जो हमारे शौकीन किसान भाई हैं वो फोर व्हील चलाना आजकल पसंद करते हैं, तो उनके लिए फोर व्हील लेके हम आए हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं जॉन डियर ने, तो भैया स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रिव्यू। सबसे पहले हम आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। काफी शानदार फीचर लोडेड, मतलब फुल्ली लोडेड ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। इसके अंदर तो कंपनी ना एक मोड भी लगा दिया है, इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड। जैसे कार में होता है ना डुअल मोड होता है भैया, कि आप इकोनॉमिक पे चलाना चाहते हो कि स्टैंडर्ड पे चला जाते हो, जैसा काम वैसा ये ट्रैक्टर आपको करके देगा। कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगर इस ट्रैक्टर की लुक की बात करें तो बहुत ही शानदार लुक ट्रैक्टर ने, जॉन डियर ने बनाया है। अगर आप बात करें फ्रंट से तो आप देख लीजिए, इसमें बहुत ही शानदार लाइटिंग, पहले इस तरीके की जॉन डियर की लाइटिंग नहीं आती थी, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत ही शानदार लाइटिंग कर दी है। उसके अलावा बोलते ना क्रोम फिनिश के साथ में, बहुत ही शानदार क्रोम फिनिश के साथ में लाइटिंग आपको एलईडी इसके अंदर दिखेंगी। जब इसको चालू करेंगे तो इसका मतलब ना लुक बहुत ही अलग ही हो जाएगा। ये देखिए आप, और कितना फोकस है। जब आगे वहां कोई चलेगा ना, ट्रक भी आएगा तो वो भी शर्मा जाएगा, बोले कौन आ रहा है। तो बहुत ही शानदार लाइटिंग के साथ में ट्रैक्टर आ रहा है। उसके अलावा साइड प्रोफाइल की बात करें तो जॉन डियर ने एक बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर, आप देखिए। मतलब ट्रैक्टर को बोलते ना ये ड्राई टाइप का फिल्टर होता है इसके अंदर, आप जानते हो, तो ट्रैक्टर को ऑक्सीजन चाहिए शुद्ध, तो शुद्ध कहाँ से लेगा इंजन को ठंडा रखने के लिए। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि इतने सारे फिल्टर लगा दिए हैं, मतलब कूलर लगा दिए हैं, कि आपको समझ में नहीं आया कितने सारे कूलर है इसके अंदर। और यहाँ पर देखिए जाली बहुत ही शानदार दिया है। अब बात कर लें बोलते ना साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको जॉन डियर की बैजिंग मिल जाएगी, पावर टेक गियर प्रो टीएम मॉडल मिल जाएगा। उसके अलावा बॉटम की बात करें तो आपको काफी चौड़ा हैवी बॉटम मिलता है, फ्लैट बॉटम भी मिलता है, फ्लैट नहीं है मतलब जो जॉन डियर की पहचान। उसके अलावा अगर बैक की बात करें तो बैक की जब बात करेंगे किसान भाइयों, तो काफी तगड़ा हैवी माचो लुक आपको मिलने वाला है। ईपीआई रिडक्शन के साथ में ट्रैक्टर आता है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व आपको मिल जाता है, पीछे ऑयल टैंक मिल जाएगा आपको, एक्स्ट्रा लाइटिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हाइड्रोलिक कंट्रोल्स मिलते हैं। उसके अलावा आपको सारी चीजें यहां पर मिलती हैं, और आप देख लीजिए काफी तगड़ा माचो लुक आपको मिलने वाला है। उसके अलावा यहां पर आप देखिए लाइटिंग भी ट्रैक्टर के हिसाब से बड़ी कर दी है, देख लीजिए इंडिकेशन भी आपको दिख रहा होगा, काफी बड़ी कर दी है। अब यहां पर टूल बॉक्स दे के रखा है कंपनी ने, तो ये पूरा साइड प्रोफाइल था। अब हम सबसे पहले आपको इसका बोनट एक्सेस करेंगे, इंजन के बारे में बताएंगे, कौन सा इंजन कंपनी ने लगाया है, इसकी सारी हम आपको डिटेल देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, हम खोलते हैं इसका बोनट की है, क्योंकि आप प्रोटेक्शन मान सकते हो भैया, आजकल क्या चोरी का खतरा ज्यादा बढ़ गया। तो जॉन डियर ने बोला भैया हम चाबी लगा के आपको देंगे, तो आप इसकी चाबी लगाने लगाया, और ये आपका बढ़िया डबल हाइड्रोलिक सिस्टम। इसके साथ में ज्यादा ऊपर ना जाए तो यहाँ पर वायर मतलब बंद करने के लिए अच्छा है। जैसे अभी इससे पहले जब हमने रिव्यू किया था उसमें ये नहीं था, इसमें आपको ये भी सुविधा मिल जाएगी, मतलब लगाम खींचने का आप आसानी से, नहीं तो आपको उचक के जो हाइट, जिन किसान भाई को हाइट कम है उनके लिए असुविधा हो, तो इसके लिए यहाँ पर एक अलग से चीज दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आप डबल हाइड्रोलिक दिया है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी रिव्यू करने वाला व्यक्ति मतलब बताता नहीं है चीजें, वायरिंग की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख लीजिए कितनी साफ सुथरी वायरिंग की है, जिससे क्या हो किसी भी किसान भाई को कोई समस्या ना आए। वायरिंग में देखिए कितने सारे प्रोटेक्शन डाले, आप यहां से देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर भी डाले, बिल्कुल फ्लेक्सिबल वायरिंग करके दी है। अब आगे आते हैं, सबसे पहले आपको बैटरी मिल जाती है, ड्राई टाइप का फिल्टर देख लीजिए आप यहां पर सेंसर के साथ में ये ड्राई टाइप का फिल्टर मिलता है किसान भाइयों। और ड्राई टाइप के फिल्टर के बारे में ये बोला जाता है कि आपका कम लो मेंटेनेंस, आप लो मेंटेनेंस ट्रैक्टर बोल सकते हो, आपको ना ऑयल डलवाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर मिलते हैं, जिससे क्या हो आप आसानी से इसको साफ कर सके। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आपको कूलिंग सिस्टम के लिए ऑयल कूलर दिया है, एयर कूलर दिया है,
यहाँ पर आपको मिल जाता है किसान भाइयों। तीनों टाइप के कूलर आपको दिए हैं और वाटर कूल इंजन तो आपको मिलता है। अब इंजन की बात कर ले किसान भाइयों, तो इसके अंदर आपको 30-29 एच सीरीज का इंजन मिलता है एच। उसके अलावा 2100 आरपीएम रेटिंग मिलता है, 3 सिलेंडर मिलता है, टर्बो चार्जर इंजन आपको इसके अंदर मिलने वाला है, जो जॉन डियर का बोलते ना भरोसेमंद इंजन है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के बारे में बात बताए तो यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं, इस साइड में बताना चाहूंगा सीआरडीआई इंजन आपको दे के रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीआरडीआई इंजन आपको इसके अंदर दे रखा हो। और अगर बहुत सारे किसान भाई सीआरडीआई के तरीके से डरते हैं कि सीआरडीआई मतलब क्या है, नया बवाल, नई टेक्निक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों, सीआरडीआई का मतलब ये होता है कि आप जितना काम लेंगे ट्रैक्टर से उतना ही डीजल आपका ये ट्रैक्टर खाएगा, अधिक डीजल नहीं खाएगा। इसलिए कंपनियों ने, जितने भी हमारे 55 एचपी के ऊपर के ट्रैक्टर आते हैं, गवर्नमेंट ने रूल लेके आई है कि आपको उसके अंदर सीआरडीआई इंजन लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, फ्यूल की बचत हो। और बोलते ना टर्म 4 वाले इंजन आपको इसके अंदर मिलते हैं, ये भी एक भारत इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रैक्टरों की डिजाइन की जा रही है। अगर आपके ट्रैक्टर के अंदर ना गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, तो आप नॉर्मल भाषा में समझो, अगर ये इंजन है तो इंजन के अंदर गैस भी बनती है, तो ओवरहीट, वो सारी चीजें निकाल के यहां से बाहर। तो ये काफी शानदार सिस्टम बता, बहुत छोटी छोटी चीजें इस ट्रैक्टर के अंदर लगाई, और करीब करीब 21 टाइप के सेंसर इस ट्रैक्टर के अंदर लगे हुए, कितना सारा सेंसिंग का काम किया है कंपनी ने, और अद्भुत है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जॉन डियर की जो टेक्नोलॉजी है सबसे ज्यादा खास। किसान भाई चलते हैं इसके सीट पर, चढ़ने के लिए भी काफी आसानी है, देखिए आप यहाँ पर पकड़ने के लिए भी देके रखा है, और काफी नीचे है जिससे किसी को दिक्कत ना हो, आसानी से आ जाए भैया। तो भैया मैं आ गया हूँ सीट पर, काफी कंफर्टेबल सीट मिलती है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, और बोलते ना काफी स्पंजी है और काफी अच्छी लग रही, मतलब बैठक भी काफी अच्छी लग रही है। जब आप इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठोगे तो काफी ऊंचा हैवी आपको महसूस होने वाला है, आपको ये लगेगा कि मेरी हाइट अपने आप बढ़ गई है, तो ये काफी अच्छा है, शानदार है। उसके अलावा अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हीट प्रोटेक्टेड शील्ड भी आपको यहाँ पर दे के रखी है जॉन डियर ने, ये भी काफी शानदार है। दोनों तरफ अगर आप 24 घंटे भी काम करते हो तो भी कोई समस्या होने वाली नहीं है, पैरों में जलन नहीं होगी। एक हमारे किसान भाई थे, उन्होंने बोला था सस्पेंडेड पेडल में, बोले तिवारी जी चलाओ तो बड़ी समस्या होती है, मेरे पाँव में जलन होती है, दर्द होती। भैया तो ये विषय डॉक्टर को दिखाने का है, वैसे ऐसे आज तक हुआ नहीं है, क्योंकि कार में भी हम सस्पेंडेड पेडल ही चलाते हैं और काफी आसानी रहती है, ऐसा नहीं है कि काफी आपको। और बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे होते हैं पैर रख के चलाते हैं, अब वो ऐसे लगा के चलाएंगे तो दर्द तो होगा ना भैया, दबाना है, गियर डालना है और हटा लेना है, इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप आ जाइए। तो किसान भाई वो बात कर ले क्लच के बारे में, तो ड्यूल क्लच प्लस इंडिपेंडेंट लीवर के साथ में आपको मिलने वाला है, पीटीओ लीवर आपको अलग से मिल जाएगा। तो किसान भाई वो ब्रेकिंग की बात कर ले तो इसके अंदर आपको ओआईबी ब्रेक मतलब तेल में डूबे हुए ब्रेक मिलने वाले हैं, और शुद्ध ओआईबी ब्रेक आपको मिलने वाले हैं, सस्पेंडेड पेडल के साथ में आपको यहाँ पर चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा बात करें गियर के बारे में, किसान भाइयों जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको हाई लो में नहीं, इसके अंदर आपको ए बी सी डी मतलब 4 मोड मिलने वाले हैं, गियर प्रो मॉडल में आपको बोलते हैं ना इसको मिलने वाला है। और इसके अंदर आपको एक और सुविधा मैं बता दूं, इसमें आपको पार्किंग ब्रेक मिलने वाला है जो अभी तक किसी भी ट्रैक्टर में नहीं आया है। पार्किंग ब्रेक के साथ में टोटल अगर गियर की बात करें तो 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर आपको मिलने वाले हैं, 16 गियर इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाले हैं किसान भाइयों। उसके अलावा आप देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल प्लस एनालॉग का मिक्सअप है और बहुत ही प्यारा बनाया है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा यहाँ पर आपको बना के दिया है, ये देखिए कितना शानदार काम करता है, आपको फ्यूल बता देगा, आपको सारी चीजें बोर्ड पर आ जाएंगी, कार जैसी सुविधा मिलने वाली है। उसके अलावा किसान भाइयों यहाँ पर देखिए ये मोड बहुत ही आवश्यक मोड है किसान भाइयों के लिए, अगर आपको यहाँ पर ऐसे चलाते हो तो इकोनॉमी में चलेगा और आप इस पे चलाते हो तो स्टैंडर्ड मोड में आपका ट्रैक्टर काम करेगा, जब आपको बहुत भारी काम करना है तो आप स्टैंडर्ड में चलाओ और जब आपको बहुत नॉर्मल काम करना है तो इको में आप चला सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको हैंड एक्सीलेटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लाइटिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ पर पॉकेट मिल जाएगा, चार्जर मिल जाएगा, यहाँ पर आप पार्किंग लाइट मिल जाएगी,
यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जर चार्जर मिल जाएगा, 3 स्पोक स्टेयरिंग मिल जाएगी, ये भी काफी शानदार है। उसके अलावा गियर की बात करें तो इसके अंदर आपको सिंक्रोमैश गियर मिलने वाले हैं, बहुत ही शानदार गियर बॉक्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, जो एकदम बोलते ना उंगलियों से नाचेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल्स मिलने वाले हैं किसान भाइयों, और यहाँ पर आप देख लीजिए हाइड्रोलिक के बारे में, मतलब आपको मैं यहाँ पर पीटीओ के बारे में बता दूं, यहाँ पर आपको 3 सारे पीटीओ मिलते हैं, रिवर्स पीटीओ भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलता है। इसके अलावा 540 इकोनॉमी पे भी चलेगा, 540 स्टैंडर्ड पे भी चलेगा, 540 जब आप इसको चलाओगे इकोनॉमी में तो 1600 आरपीएम पे काम करेगा, 540 में जब आप चलाओगे नॉर्मल में तो 2100 आरपीएम पे काम करेगा, और जब रिवर्स में चलाओगे तो 516 और 2100 आरपीएम पे काम करेगा। तो ये भी काफी शानदार चीज है, आपको यहाँ पर मिलने वाली है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर 71 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है, जो काफी शानदार है। अब हम बैक में आ जाते हैं, तो बैक में किसान भाइयों की जो आज सबसे बड़ी जरूरत होता है वो डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल होता है भैया, क्योंकि आजकल आधुनिक तरीके की यंत्र आ गए, सिलेक्टिव वॉल भी बोल सकते हो, इसमें आपका ट्रॉली भी उठेगा, हर 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 कंपनी का अलग अलग टर्म होती है, यहाँ पर आपका ट्रॉली भी उठेगी, आपका प्लाव भी उठेगा, और जो भी इम्प्लीमेंट है बोलते ना आज तो आजकल तो केचुआ भी आ गया है, हाइड्रोलिक से जितने भी यंत्र चलते हैं वो सारे पे ये काम करेगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब किसान भाइयों जैसे मैंने आपको पीटीओ पावर ही बता दूं, तो पीटीओ पावर की बात करें तो इसके अंदर 51 HP का पीटीओ पावर मिलता है, जो काफी शानदार है, जो काफी जबरदस्त है। लिफ्टिंग की बात कर ले 2000 kg का वजन आसानी से उठा सकता है। उसके अलावा ऑप्शनल में भी आता है, मतलब ऑप्शनल में 2500 kg वाला भी आपको मिलने वाला है, कोई समस्या होने वाली नहीं है। रिडक्शन की बात करें तो EPI रिडक्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो काफी शानदार है किसान भाइयों। टायर भी बता दे भैया आपको इसके 16/9/28 का बोलते ना बैक टायर मिलने वाला है, और अगर फ्रंट टायर की बात करें तो इसके अंदर 9/5/24 का फ्रंट टायर आपको मिलने वाला है, काफी हैवी टायर मिलने वाला है। जॉन डियर के ताकत इसका बोलते ना टॉर्क, बहुत ही शानदार टॉर्क मिलता है, करीब करीब 250 न्यूटन मीटर के ऊपर का टॉर्क मिलने वाला है। अपन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं 250, अगर आप इसका हाईएस्ट टॉर्क निकालोगे तो करीब करीब आपको ये 260-270 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगी। SFC की बात कर लें तो देख लीजिए 187.6 ग्राम HP पर आवर, तो इसके अंदर काफी सारी विशेषता है, CRDI लगा के रखा है, बहुत सारी चीजें हैं, अब ज्यादा नहीं जाना है। अब हम आते हैं और ये भी बता दूं डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग भी मिलने वाली है, ये भी मैं बता दूं बैलेंस टाइप में। अब आ जाते हैं इसके प्राइसिंग पे, ओनर को बुलाएंगे और बात करेंगे, शर्मा जी को बुलाएंगे और बात करेंगे और बताएंगे। तो शर्मा जी राम राम। नमस्कार किसान भाइयों, क्या हाल चाल? बस बढ़िया, प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है। तो सर मैंने इसलिए बुलाया है कि सर प्राइसिंग क्या है, उसके अलावा इसकी क्या विशेषता है। प्राइसिंग जो इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो कंपनी की तरफ से 1375 है, 4-व्हील ड्राइव की। हाँ। पर अभी आप इसे लेंगे तो हम आपको स्पेशल प्राइस 1351,000 रुपए में दे सकते हैं। कोई समस्या होने वाली नहीं है, नंबर कॉन्टेक्ट दिया है, बाकी आप फटाफट कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंदौर के आसपास कहीं भी रहते हो तो बस एक नंबर घुमाना है और सीधा संपर्क हो जाएगा। सीधा संपर्क कीजिए आप लक्ष्मी बाई अनाज मंडी के पास। बिल्कुल। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल भैया अच्छा लगा हो वीडियो सब्सक्राइब मार लो फटाफट, जो करते नहीं हो आप लोग। उसके अलावा आपके लिए बहुत जल्द एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है, वो भी आने वाला है। तब तक ये वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो और भेजो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग, राम राम जी।